हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है ना। तो सेट आपका ए होने वाला है, फुल सॉल्यूशन आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इंग्लिश आपका होने वाला है, समय आपका 3 घंटा। कल जो पेपर होने वाला है, मैक्सिमम मार्क उसका 75 अंक होने वाला है, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आपको 16 देखने को मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके एंड हमारे चैनल रियल 91 चैनल को फटाफट यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बेल को और प्रेस कर लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर लिंक काम नहीं करती है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, रियल 91 सर्च करो, और हमारा ग्रुप जो है यहाँ पर फर्स्ट पर आ जाएगा, तो आप लोग उस पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। ऑफिशियल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रीडिंग क्वेश्चन होंगे, आपके रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ आपकी पैसेज जो पहली दी गई है आपकी। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 5 अंक की एक पैसेज पूछी गई है, तो फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सेट आपका ए होने वाला है, और पूरा देख सकते हो आपके सभी प्रश्न इसमें सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर जो पहला दिया गया है, इसके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका प्रत्येक का एक अंक निर्धारित है, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला जो पूछा गया है, तो पहले का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पूछा गया सोलर पैनल्स, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है बी वाला, डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। इसके बाद आता है तीसरा, तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड डिसाइड, ठीक है ना। तो इसको आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है बी वाला, यहाँ पर इसका बी वाला डिसीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद चौथा आता है गवर्नमेंट ऑफर्स, इसके बाद दोस्तों टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है चौथे का, यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए और बी, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सोलर पैनल्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर वी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, देख सो, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू 8, तो इसमें आपको पैसेज दी गई है, ये भी आपकी 5 अंक की है, तो आपकी 2 पैसेज दी गई है, जो आपकी यहाँ पर 10 अंक कन्फर्म होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो जितने जल्दी हो सके, ठीक है ना। पीडीएफ भी वहां पर आपको अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना जितने जल्दी हो सके। तो यहां पर दोस्तों पहला जो पूछा गया आपका, तो पहले का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बी वाला, यानी ही कॉल्ड फिले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया है सेकंड, तो सेकंड का आंसर यहां पर आपको लगा लेना है डी इज करेक्ट आंसर, चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ, ठीक है ना। इसके बाद देखते हो तो आपका तीसरा पूछा गया है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है डी वाला, कोच इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी देख सकते हो, इसमें आपका पूछा गया है चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट में आपको यहाँ पर लगा लेना है, चौथे पॉइंट में आपको इसके देख सकते हो, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेनेड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पांचवा पूछा गया, तो पांचवे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है ए इज करेक्ट आंसर, टैंड ओल्ड एंड यूजरली। इसके बाद देखो तो सेक्शन बी आता है, तो सेक्शन बी में आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको आपको इसी में से यहाँ पर तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें आपको पहले वाले में क्या दिया गया है, मेक आ नोट्स, यानी आपको नोट्स इसमें बनाने हैं। तो इसके बाद सेकंड में आपका यहाँ पर गिव आ, यहाँ पर इसको आपको टाइटल लिखना है, ठीक है ना, जो पैसेज दी गई है आपकी, देख सो, तो यहाँ पर इसका टाइटल बताना है आपको। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न नंबर आपका तीसरा दिया गया है, तो इसमें आपको टाइटल में लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। इसके बाद आपको दोस्तों प्रश्न नंबर जो पहला दिया गया था, इसमें आपको नोट्स बनाने थे, तो नोट्स में आपको ये बनाने हैं, नोट्स आपको लिखना है। इसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट इसी प्रकार से आपको लिखोगे, तो यहाँ पर आपको पूरे में पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो ये देख सकते हो, आपको इसी प्रकार से सभी नोट्स यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा, तो इसमें आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बाय यहाँ पर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। आपकी एप्लीकेशन लिखनी है यहाँ पर, यहाँ पर आपका नाम भी दिया गया है, सी एम राय स्कूल
यहाँ पर गौरैया, ठीक है ना। तो आप लोग जो नाम दिया गया यही आपको लिखना है। इसके बाद इसमें अथवा में आपका लेटर पूछा गया है, अटेंड मैरिज टू योर, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सिस्टर की मैरिज की आपको यहाँ पर एक लेटर इनवाइटिंग लिखना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आपका हो जाएगा। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर पाँचवा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथे का आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं, जो आपका एक ऐसे दिया गया है, यानी कि आपका निबंध पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसे यानी कि आपका एक निबंध पूछा गया जो कि आपका यहाँ पर पाँच अंक में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो चौथा था, तो इसमें आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीएम राइज स्कूल गोरैया, इसमें आपको गुना देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो गोरैया आपको डालना है, ठीक है ना। जो भी आपका पूछा जाएगा वो आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फोर यहाँ पर ईसुंग बाय यहाँ पर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। रिस्पेक्ट सर आपको डालना है। इसके बाद आपको पूरा यहाँ लिख देना है थैंक्स फॉर योर सर। इसके बाद देख सकते हो योर ओबीडेंटली नेम यहाँ पर नीरज, और आपको क्लास डाल देनी है अपनी। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर पाँच पूछा गया है। यहाँ पर राइट द ऐसे ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड 250 वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको 250 शब्दों में यहाँ पर एक कोई भी यहाँ पर ऐसे लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है आपको। देख सकते हो COVID-19 बंडल ऑफ साइंस, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, और इसमें आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो इसके अथवा में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है इंपोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर पाँच का भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो प्रश्न नंबर पाँच में देख सकते हो इंपोर्टेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो ये आपका हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालनी है, इसके बाद आपको देख सकते हो सेकंड पॉइंट डालना है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, और इसी प्रकार से आपको क्रम बाय क्रम कॉन्क्लूजन तक आपको लिखना है, ठीक है ना। ये देख सकते हो आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखो इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज जो आपका है, तो इसको अभी आप लोग कर लेना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आपको अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर छः। तो प्रश्न नंबर छः जो है आपका, यहाँ पर प्रश्न नंबर छः में आपका पूछा गया है यहाँ पर देखो राइट द पैराग्राफ, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पिक्चर दी गई है, तो इसको आपको यहाँ पर 75 वर्ड में लिखना है। इसमें क्या क्या क्रियाएँ यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। तो इसका जो वाटर पॉल्यूशन पर आपका एक दिया गया है, तो चलिए इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं आपको। तो ये देख सकते हो वाटर पॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन इसका लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर देखो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ आप हमारे ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद देख सकते हो आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका यहाँ पर आता है ग्रामर से क्वेश्चन। तो पहला पूछा गया है इसमें सातवां क्वेश्चन है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो कोई भी पांच करने हैं सात में से, तो पहला आपका पूछा गया है ही हैज़ डॉट डॉट मैनी फिलेस, तो इसमें आपको रिटर्न इसका करेक्ट आंसर लगा देना है रिटर्न, ठीक है ना। इसके बाद इसको ही ऑलवेज डॉट डॉट ऑन टाइम, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है कम्स। इसके बाद देख सो तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है बिफोर, और इसके बाद इसमें आपको द लगा लेना है। इसके बाद आपको पाँचवें में यहाँ पर लगा लेना है इफ़, और इसके बाद आपको छठवें में आपको लगा लेना है यहाँ पर रिटायर्ड, और इसके बाद आपको सातवें में लगा लेना है यहाँ पर सम, ठीक है ना। सातवें में आपका क्या हो जाएगा सम। इसके बाद प्रश्न नंबर आठ आता है डू एज डायरेक्टेड, जो आपके दिए गए हैं कोई भी पांच आपको करने हैं सात में से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आपको डू एज डायरेक्टेड दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठ, यानी छः दिए गए हैं। तो कोई भी आप लोग इसमें से पाँच तैयार कर लेना, आप चाहो तो छः ही कर सकते हो तैयार, ठीक है ना। एक आपका छूटा है तो उसको आप लोग देख लेना, यहाँ पर छठवा आपका छूटा है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लेना, अगर आपको ईजी लगे तो आप लोग वो भी कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपका क्या आता है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहला आपका पूछा गया है नौका, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है यहाँ पर सी इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड पूछा गया है हु वाज मिस्टर किसिंग, तो इसमें आपको लगा लेना है यहाँ पर ए इज़ करेक्ट आंसर हर टीचर। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पूछा गया, तो तीसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना डी ग्रीन। इसके बाद चौथा पूछा गया, तो चौथे का करेक्ट आंसर लगा लेना है ब्लड। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 में आपका क्या पूछा गया, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू एट। तो इसमें आपको देख सकते हो एक पैसे दी गई है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं आपके एक एक अंक के, तीन अंक के हो जाएंगे यहाँ पर आपके ए वाले सेक्टर में। इसके बाद आपका इसका बी बी पॉइंट दिया गया है 10 का, तो इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। चलिए तो इसमें आपको पहले का करेक्ट आंसर लगा लेना है बी, और इसके बाद आपको लगा लेना है दूसरे का बी, और तीसरे का भी बी आपको लगा लेना है। इसके बाद आता है आपका बी सेक्शन जो आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 10 का, तो इसमें आपको पहले का करेक्ट आंसर लगा लेना है सी,
द वॉल पोएम, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा दिया गया तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है हैप्पली बी। तीसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है इन द वाटर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10 हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों एनी 6 करने हैं और एनी 2 करने हैं, एनी 2 इसमें से करने हैं। 14 में आपका दोस्तों ये दिया गया है तो आप लोग इसको करना है 3 अंक में, यानी 75 वर्ड में मिनिमम लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखा आपका सेंट्रल आइडिया पोएम यहाँ पर जो आपकी है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 में आपका देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन, तो इसको आप लोग करना है। तो इसका सॉल्यूशन चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो आपका दिया देख सकते हो ये आपका प्रश्न नंबर 10 तक का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन, ये दिया गया पहले का, दूसरे का, एंड इसके बाद तीसरे का, चौथे का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पाँचवें का यानी 5 आपको करने थे, तो ये हो जाएंगे आपके। इसके बाद 12 का सॉल्यूशन पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, ठीक है ना, तीसरे प्रश्न का हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आपको 13 का कर लेना है, ये देख सकते हो ये दिया पहले का और दूसरे का। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 14, 15, 16 छोटे हैं, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से फटाफट यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों फुल सॉल्यूशन मैंने 1 से 13 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके, चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।